दोस्तों आपने भी बहुत बार सुना होगा कि प्रीपेड अच्छा है, पोस्टपेड अच्छा है, किसमें ज्यादा बेनिफिट है और कौन सा चलाना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इंडिया में चलता है, जो टेलीकॉम ऑपरेटर के डेटा के हिसाब से प्रीपेड के जो यूजर हैं वो 92% यूजर हैं और पोस्टपेड के जो यूजर हैं वो 8% ओनली यूजर हैं। लेकिन अगर यही डेटा अगर मेट्रो सिटी में हम लोग काउंट करते हैं तो वहां पर हो जाता है 22% जो यूजर है वो पोस्टपेड को जाते हैं मेट्रो सिटी में और 78% जो यूजर है वो प्रीपेड को जाते हैं। तो ऐसा क्या समझ में आता है मेट्रो सिटी वालों के पास जो पोस्टपेड को यूज करते हैं और ऐसा क्या समझ में नहीं आता है उन लोगों को जो पोस्टपेड को यूज नहीं करते हैं, और जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है पोस्टपेड अच्छा है या प्रीपेड अच्छा है। तो आज बने रहिए इस वीडियो में, हम आपको बताएंगे कि पोस्टपेड अच्छा है या प्रीपेड अच्छा है। आज की इस वीडियो में जो हम आपको बताएंगे उम्मीद करता हूं आपको भी पोस्टपेड ही पसंद आने लगेगा उसके बाद। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। ये बात करते हैं पोस्टपेड के, जो सबसे ज्यादा यूजर होते हैं वो एंटरप्राइजेज यूजर होते हैं। कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को जब प्रोवाइड कराती है तो वो पोस्टपेड नंबर प्रोवाइड कराती है। उसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो रीजन ये होता है कि उन लोगों की वहां से टैक्स सेविंग हो जाती है। वो कैसे होती है कि जो पोस्टपेड के हमारे कनेक्शन होते हैं उनका आता है बिल। अगर कोई भी बंदा पोस्टपेड चलाता है तो उसका एक बिल जनरेट होकर आता है जिससे कि वो वहां पर अपने बिल के एक्सपेंस में दिखा देते हैं कि हमने इसका यूज किया था। जबकि अगर वो प्रीपेड नंबर यूज करते हैं तब वहां पर वो उसको एक्सपेंस में नहीं दिखा सकते। मैं नहीं दिखाऊंगा। तो और दूसरी जो वजह होती है एंटरप्राइजेस की, वो दूसरी वजह ये होती है कि उनके पास कॉल डिटेल्स रहती है। पोस्टपेड जो नंबर होता है उसका जब बिल जनरेट होकर आता है तो उसमें पूरा वन बाय वन डेटा होता है कि उनके एम्प्लॉय ने किसके पास कहां पर कॉल किया है। तो उनके पास ये डेटा देखने के लिए रहता है कि उन्होंने उनके एम्प्लॉय ने किसी अदर बंदे के पास तो कॉल नहीं किया, ऐसे बंदे के पास तो कॉल नहीं किया जो इलीगल था। तो ये डेटा उनके पास रहता है। और तीसरी वजह इसकी एक और होती है, तीसरी जो वजह होती है वो ये होती है कि जो पोस्टपेड के कनेक्शन होते हैं उनका सिंगल बिल आता है। सपोज करो किसी के पास 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उनका जो बिल आएगा सिंगल बिल आएगा। अगर वो प्रीपेड में वही लोग यूज करते हैं तो उसको 100 बार अलग अलग रिचार्ज करने पड़ेंगे। जबकि पोस्टपेड में क्या होगा, एक बिल पेमेंट करना होगा और 100 के 100 नंबर कंटिन्यू हो जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो ये वजह होती है, और भी बहुत सारी वजह होती है। लाइव ट्रैकिंग होता है और सिक्योरिटी पर्पज से भी पोस्टपेड को वो लोग यूज कराते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इंटरप्राइजेस से हटके जो इंडिविजुअल कस्टमर है वो पोस्टपेड का यूज क्यों करते हैं और क्या आपको भी करना चाहिए। अच्छा हमको सिखा रहा है। अब बात कर लेते हैं कस्टमर इंडिविजुअल के बारे में। तो सबसे पहले पोस्टपेड की जो खास बात होती है वो ये होती है कि कस्टमर प्रायोरिटी उसमें होती है सर्विस के नाम पर, जो कि देखा जाता है। अगर आप किसी भी प्रीपेड के नंबर से कस्टमर केयर को कॉल लगाएंगे तब आपका कॉल नहीं लगेगा 5 से 6 मिनट, हो सकता है 10 मिनट भी आपको IVR की सुननी पड़ जाए, उसके बाद भी कॉल ना लगे। बट पोस्टपेड में क्या, जैसे ही कस्टमर केयर को कॉल लगाएंगे ओनली 20 सेकंड के अंदर आपका कॉल पिक हो जाएगा कस्टमर केयर के पास। और इसके बाद जो देखने को मिलता है वो होता है डेटा में चेंजेस। यानी कि मैं आपको बताता हूँ डेटा का जो चेंजेस होता है, अगर आप किसी भी प्रीपेड नंबर को यूज करते हो साथ में आपके पास एक पोस्टपेड नंबर है तो आप उसको ट्राई करिए और स्पीड टेस्ट करिए। वहां पर दोनों नंबर में आपको स्पीड अलग अलग देखने को मिलेगी। एक ही हैंडसेट में होने चाहिए नंबर और एक ही कंपनी के सिम कार्ड है, बट एक प्रीपेड है और एक पोस्टपेड है। तो आप वहां पर जब स्पीड चेक करेंगे तो वहां पर आपको जो पोस्टपेड नंबर होगा उसमें स्पीड ज्यादा देखने को मिलेगी। और इसी तरीके से नेटवर्क का इंप्रूवमेंट जो होता है वो कॉल ड्रॉप भी बहुत कम होती है पोस्टपेड में। जैसे प्रीपेड में कॉल ड्रॉप की समस्या बनी रहती है, पोस्टपेड में ये भी नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं पोस्टपेड में क्या होते हैं। OTT बेनिफिट्स बिल्कुल फ्री होते हैं, जैसे आपको प्रीपेड में नहीं मिल सकते। सेम पैकेज के सेम चार्ज में आपको OTT के बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें कि प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार जैसे बहुत सारे OTT आपको फ्री मिलते हैं। ये डिपेंड करता है आप किस कंपनी का लेते हैं पोस्टपेड और उस कंपनी ने कौन कौन से प्लान में अपने कौन कौन से दिए हैं OTT। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। OTT पोस्टपेड में बिल्कुल ही फ्री होते हैं। हमारे बहुत सारे भाइयों की एक समस्या और भी रहती है कि प्रीपेड में उनको 13 महीने का रिचार्ज कराना पड़ता है कि 28 दिन का महीना क्यों होता है। तो उन लोगों के लिए भी पोस्टपेड है, उनकी ये भी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि पोस्टपेड में 1 महीना का मतलब 1 महीना होता है ना कि 28 दिन। अगर मंथ आपका 29 दिन का है तो 29 दिन, 30 का है तो 30 दिन और 31 दिन का है तो 31 दिन। और अगला मैं आपको बेनिफिट बताऊं पोस्टपेड के, इतने बेनिफिट है मैं आपको बताता रहूंगा और आप सुनते रहेंगे, बट जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वही मैं आपको बताना चाहता हूं। अगला बेनिफिट ये है कि पोस्टपेड में डेटा रोल ओवर होता है।
डेटा का वेस्टेज नहीं होता। अगर आप प्रीपेड में कोई भी रिचार्ज 1 GB डेटा है या 1.5 GB डेटा वाला कराते हो, आप उसका एक दिन में यूज नहीं कर पाते हो तो वो डेटा आपका खत्म हो जाता है। नेक्स्ट दिन आपका 1.5 GB डेटा फिर आता है। अगर आपको उस दिन 3 GB डेटा की जरूरत है तो आपको कराना पड़ेगा रिचार्ज। जबकि अगर आप पोस्टपेड के यूजर है तो पोस्टपेड में ऐसा नहीं होता है। पोस्टपेड में वॉलेट में एक बार आपके डेटा आ जाता है, आप जब चाहे इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप पूरे मंथ में भी इसका यूज नहीं कर पाए तो डेटा क्या होता है, रोल ओवर हो जाता है नेक्स्ट मंथ के लिए। मैं बताना चाहता हूँ वो बात जो मेरे भाई लोगों को लगता है कि पोस्टपेड महंगा होता है और प्रीपेड सस्ता होता है। तो हाँ, आपको बिल्कुल सही लगता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप पोस्टपेड महंगा लेना चाहते हो या आप पोस्टपेड सस्ता लेना चाहते हो। तो ये जो ट्रिक है ये है, अगर आप कभी भी पोस्टपेड का इंडिविजुअल नंबर लेते हो तो आपको वो महंगा ही मिलेगा। अगर आप उसके साथ में फैमिली एड ऑन कराते हो, ऐसा कोई परिवार या ऐसा कोई मेरा भाई नहीं है जिसके घर पे 2, 3 या 4 नंबर ना यूज होते हो, तो वो सारे को करा सकता है एक फैमिली में ऐड। जब ऐड करा लेगा तो उसका बिल प्रीपेड से भी आएगा कम। ये बात आप मेरी नोट डाउन कर लेना, फैमिली जो ऐड ऑन हो जाता है उसके बाद प्रीपेड से भी कम बिल आता है। अगर आप ओनली 1 नंबर चलाते हो तो आपको बेनिफिट भी कम मिलेंगे और आपको चार्ज भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो अगर आपके भी माइंड में ये बात है पोस्टपेड का बिल ज्यादा आता है तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे बचा जा सकता है फैमिली ऐड ऑन करा के। तो ये सारे थे पोस्टपेड के बेनिफिट्स। अगर आपको भी कोई डाउट अभी रह गया है तो आप एक बार कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और आप इसी तरीके से करते रहिए सपोर्ट, और हम भी आपके लिए लाते रहेंगे नए नए अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।